गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 ऑफ आवर मैथमेटिक्स बुक्स मैथ्स बेसिक फॉर क्लास 2. द नेम ऑफ द चैप्टर इज हाउ मच कैन यू कैरी. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस डू अ स्मॉल एक्टिविटी. डू अ स्मॉल एक्टिविटी. टेक सम वाटर, सम साल्ट, कॉटन, टू कॉटन बैग्स. Now, fill some salt in one cotton bag. And put cotton in other cotton bag. Can you guess which one is lighter and which one is heavier? Salt is heavier than bags with cotton. Now, dip these two bags in water for some time. And take out both these bags. Can you tell me which one is heavier and which one is lighter? Yes. Bags with cotton is heavier than bags with salt because cotton absorb water from the and some salt is dissolved in water, so bags with salt is lighter and bags with cotton is heavier. Now let us start the chapter. How much can you carry? हाउ मच कैन यू कैरी का मतलब क्या है कि आप कितना कैरी कर सकते हो. द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक्स. एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं. क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक्स. क्लेवर मीन्स क्या होता है बच्चों? चालाक. हैवी मीन्स भारी और सैक मीन्स बोरा. बोरा तो सभी जानते होंगे. बोरा होता है जिसके अंदर हम गेहूं या चावल भरकर रखते हैं. द क्लेवर डोंकी, चालाक डोंकी एंड और उसका भारी बोरा. संदेश हैज अ डोंकी. संदेश के पास एक डोंकी था. इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ साल्ट ऑन इट्स बैक. वो क्या करता था? जो नमक के बोरे थे वो अपनी पीठ पर गांव से मार्केट लेके जाता था. ऑन द वे ऑफ टू द मार्केट. मार्केट के रास्ते में दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. उनको एक नदी को पार करना होता था. वन डे व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर. एक दिन जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था, द डोंकी स्लिप. डोंकी क्या हो गया? फिसल गया. स्लिप मीन्स फिसल गया. एंड फेल इन टू द रिवर. और रिवर के अंदर, नदी के अंदर गिर गया. व्हेन इट गॉट अप, जब वो उठा, द सैक फेल्ट वेरी लाइट. जो बोरे थे वो बहुत हल्के लगे उसको. गैस व्हाई द सैक फेल्ट लाइटर. क्या आप बता सकते हो कि जो बोरे थे वो लाइटर, हल्के क्यों लग रहे थे? जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे एक्टिविटी में मैंने दिखाया था कि क्या हुआ था बच्चों, नमक पानी में क्या कर गया था, घुल गया था ना. वैसे ही जो बोरों के अंदर नमक था, जब वो पानी के या नदी के अंदर गिरा था तो वो नमक पानी में घुल गया, जिसकी वजह से वो बोरे जो थे, नमक के बोरे थे, वो क्या हो गए थे? हल्के हो गए थे. नेक्स्ट डे व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक